कुछ लाइन बनाया कि हम आज तेरी इस हैकर में आ सके, प्रभु तुझसे मुखातिब हो सके, तेरे वचनों को सुनने के लायक बन सके। पिता परमेश्वर तुझसे मिलना करते प्रभु, जितने भी अजीज जितने भी तेरे भक्त यहाँ पे प्रभु जी अपने सर को झुकाए बैठे हैं प्रभु, हर एक को नाम बना आशीष दे और अपने वचन में तैयार कर प्रभु, अपने वीर तैयार कर, हमारे जीवनों का संचालन पिता परमेश्वर अपने हाथ में ले प्रभु जी, और हर एक दुआ का जो तेरे सामने रखी जाए प्रभु जी, वो भी हुई या तेरी दुआ प्रभु जी हर काम करते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु उन दुआओं के लिए जो रास्ते में हैं प्रभु जी, और आज इस हैकर में इस इबादत का हिस्सा बनने वाले हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु की सलामती के साथ यहाँ लेकर आ, तेरी लल्ला के साथ प्रभु जी उनका जीवन भी प्रभु जी अच्छा बन सके। प्रार्थना करते प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जो ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, हमारे जुड़े हैं प्रभु जी, जो अपने को अपने मनों को अपने घरों को प्रभु तेरे वचन के लिए खोलते हैं पिता परमेश्वर, उन पे भी तेरी आशीष तेरी बरकत बनी रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोग के लिए भी प्रभु जी जो आज चर्च नहीं आए किसी भी कारणवश प्रभु जी, तू उनकी सुधि ले प्रभु जी, उनको भी आशीषित कर और चर्च आने के लिए कायल कर प्रभु जी। जब हम तेरे वचनों को पढ़े उस पे मनन करें, जब तेरे गीतों को गाएं प्रभु जी, वो तुझको ग्रहण योग हो प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेरा खालिस वचन प्रभु जी बोया जा सके। सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद कि आज उसने फिर हमको मौका दिया कि हम आप लोग से मुखातिब हो सके, और खास तौर से उन तमाम लोगों को हम इस्तकबाल करते हैं जो आज हम लोग की इस इबादत में बहुत दूर से तशरीफ लेके आए हैं और हमारे साथ वर्शिप कर रहे हैं। मैं भाई अंतु को और उनके परिवार को जो कि आसनसोल से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, मिस्टर शेषेंदु रॉय, उन तमाम लोगों को हम अपनी इबादत में वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की ये इबादत आपके लिए एक बहुत ही बरकत का बायस होगी। और मैं गुजारिश करूंगा अपने चर्च सेक्रेटरी मिस्टर दिलीप दास से कि वो कलीसिया की ओर से अपना दाहिना हाथ बढ़ा के भाई अंतु और उनके परिवारों को यहाँ पे वेलकम करें। अजीजो आज हम ईस्टर टाइड की पांचवी जो संडे है उसको मना रहे हैं, और ये हमारा शर्फ है कि हम मसीह के साथ उसके दुख भोग सप्ताह में रहे और उसके बाद उसके साथ सलीब पर चढ़ाए गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जब हमारे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो हमने उसका भी दर्शन पाया, और आज हम खरामा खरामा उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं जब हमारा यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होगा और उसके बाद पवित्र आत्मा का वरदान हम सबको मिलेगा ताकि चर्च की नींव रखी जाएगी। अजीजो ये है वो तमाम एपिसोड्स जिनको हम बार बार स्मरण करते हैं, बार बार याद करते हैं, और जब हम उनको स्मरण करते हैं तो हमको एक अजीब सी तसल्ली मिलती है, एक इत्मीनान एक शांति मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वही हमारे जीवनों का राजा है और वही है जो हमारे जीवन का संचालन करता है। इसी तबीयत के साथ इसी प्रॉपर्टी इसी एटीट्यूड के साथ हम अपनी इबादत को आज स्टार्ट करेंगे। जमात पढ़ी रहे और अपने ईमान का इकरार हम रसूलों के कीर्ति को दोहरा के करेंगे। हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे, मैं एतकाद रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वे रूह कुद्दूस से मुजस्सम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, बिंदुस बिनातुस सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिसके जीव में और हमेशा की जिंदगी पर, आमीन। जमाए तशरीफ रखे। अपनी इबादत को जारी रखते हुए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए उत्तरवादी पाठ के रूप में निकालेंगे भजन संहिता 31। मैं गुजारिश करूंगा मिसेज शोभना मुर्मू से कि इसको पढ़ने में अगुवाई करें। अपनी बाइबल्स को खोलेंगे भजन संहिता 31 साम 31 और उसकी 24 आयतों को हम लोग उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे। जमात कृपया खड़ी हो जाए। भजन संहिता 31 परमेश्वर पे भरोसा की प्रार्थना। हे
मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होने ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो चार दिनों ने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा जोड़गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर है। मैं तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुनी ली है। तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे भूले जाते हैं। मेरे जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां खुल गई है। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों ने मेरी नाम खराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण, जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक ही नहीं, लोगों के मन को दहशत दिया, मैं टूटे आसन के समान हो गया। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने उसी का भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित और मृतक लोग में चुपचाप पड़े रहे। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते उनकी झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। आहा, तेरी भलाई क्या बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट की है। तूने दर्शन देने से कि संसार में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से मुक्त रखेगा, तू उनको अपने मंडप में पुरस्कार देगा। यह वह धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो डॉक्टर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने उसको दुआई दी तब तूने मुझे गड़गड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। आइए एक साथ पढ़े। हे यहोवा, पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है अमाली किताब उसका छठा बाब और उसकी पहली सात आयतें। मृत्यु के काम उसका छठा बाब उसकी पहली सात आयतें। The Acts of the Apostles chapter 6 reading the first 7 verses। और मैं गुजारिश करूंगा भाई सुमित सागर से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। Yeah, even
देखने से साफ सुना के सुना पुरुषों को जो पवित्र आत्मा बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें और तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में टके रहे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टीफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस और प्रकुरुस और निकलो और टीमो और परमिनास और अंतकिया वासी निकुलाउस को जो यहूदी पद में आ गया था चुन लिया, नेतृत्व के सामने खड़ा किया और उन्हें प्रार्थना करने करके उन पर हाथ रखा। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का यह एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया।
ईश्वर की नजर होगी, जिसका रखवाला स्वयं यीशु मसीह होगा, उसको कोई भी ताकत इस पृथ्वी की क्या, किसी भी पूरी कायनात की कोई भी ताकत उसको हिला नहीं सकती, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए हमारा जरूरी ये बात बनती है कि हम निरंतर परमेश्वर के साथ अपना संपर्क साधे रहें और परमेश्वर की नजर को अपने ऊपर यूं ही बरकरार रखें। जब परमेश्वर की नजर इनायतें होंगी हमारे ऊपर, तो कोई भी परेशानी हमको छू के नहीं आ सकेगी। अजीज, हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर का इस मंडली के लिए, इस क्वायर के लिए, जो परमेश्वर ने हम लोग को एक गिफ्ट के रूप में दिया है। हर एक मेंबर को परमेश्वर से आशीष की कामना करते हैं कि परमेश्वर यूं ही इन बच्चों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता जाए। और आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग प्रार्थना करें ताकि इन बच्चों को अच्छी सेहत मिले, इनके करियर में इजाफा हो, जो भी काम करते हैं ये उसके परमेश्वर की आशीष हो, ताकि ये लोग ऐसी समय निकालते रहें और ऐसी उसकी स्तुति के लिए, उसकी मदसराई के लिए अपनी सेविकाई को देते रहें। आज का दूसरा वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, वो पाया जाता है पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 2-10 आयत, द फर्स्ट एपिसल ऑफ पीटर चैप्टर 2 बिगिन टू रीड फ्रॉम द सेकंड वर्स टिल द 10th वर्स। और मैं गुजारिश करूंगा बहन सुचेता से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें।
उस परमेश्वर को इनवाइट करें, उससे कहें कि पिता तेरे बिन तो मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है सिर्फ तेरे, तेरे बिन मैं कुछ I'm not afraid to die.
उसका 14 अध्याय उसकी पहली 15 आयतें, द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 14 बिगिन टू रीड फ्रॉम द फर्स्ट वर्स टिल द 15th वर्स। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तुम मार्ग कैसे जाते हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुम ने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हम दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन में तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतिज्ञा नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। मेरी ये प्रतिति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो काम ही के कारण मेरी प्रतिति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वे भी करेगा, वरन उनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पिता के द्वारा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की झील है। इसके पढ़े जाने, सुने जाने और दिल में रखकर अमल किए जाने पर बहुत आयत से आशीष हो।
प्रेज एंड वर्शिप के बाद एक नया सा आश्वासन, एक नई सी उम्मीद और एक नया सा कॉन्फिडेंस हम लोग के जहन में, हमारी दिलों में आया कि हाँ, हकीकत में मार्ग सत्य और जीवन वो जीवता परमेश्वर हमारा यीशु मसीह ही हमारा निगेवान है। और किसी प्रकार की कोई भी विपदा, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट हमको छूने नहीं पाएगा। अजीजो, आपने नोटिस किया होगा कि आज के जितने भी वचन आपके लिए पढ़े गए, हमारे सामने पढ़े गए, चाहे वो पुराने नियम से हो चाहे वो नए नियम से हो, हर एक में एक बात कॉमन पाई गई और वो थी एक आश्वासन। हमने अपनी प्रार्थना का आज का जो प्रारंभ किया, जो अपनी इबादत का जो शुरुआत करी, वो भी इसी गीत के साथ करी, ब्लेसेड अश्योरेंस यीशु मसीह। ब्लेसेड अश्योरेंस ये एक खास तौर से एक पवित्र तरीके का एक आश्वासन है जो कि यीशु मसीह ने हमको दिया। और चूंकि हमारे अंदर, हमारे जहन में ये एक आश्वासन है, इसीलिए चारों तरफ की जो कलह है, चारों तरफ के जो क्लेश हैं, उसकी खबरों को सुन के भी हम थोड़े से विचलित तो होते हैं, लेकिन जब हम वचन की शरण में आते हैं तो हमको वो इत्मीनान मिल जाता है कि हकीकत में रखवाला यीशु है, रखवाला। हम खुदावन के हजूर अपने सर को खम करें और प्रार्थना करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी समय आया जब हम तेरे वचनों पर मनन करें। प्रभु जी उन्होंने पिता परमेश्वर के हमारे मनों को तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में खोला जाए, ताकि हम तेरी उस मीठी आवाज को समझने पाए, सुनने पाए प्रभु जी, और इन वचनों में छुपे हुए भेदों को प्रभु जी हम समझने पाए प्रभु जी। उन्होंने पिता परमेश्वर की तेरी आवाज को सुन के प्रभु जी हम अनसुना न करें, बल्कि प्रभु जी अपने जिंदगी को प्रभु जी तेरे द्वारा दी हुई हिदायतों पर प्रभु जी संचालित होने दें। प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरा आश्वासन को प्रभु जी अपनी जिंदगी में क्लेम करें प्रभु जी, और तेरे लिए प्रभु जी जीवित पत्री के नई प्रभु जी चलने पाए। हर एक व्यक्ति को प्रभु जी जो यहाँ पे संलग्न हुए प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा की अभिषेक से भर दे प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनियो कबूल कर, आमीन। अच्छा, तो आज जब हमने अपनी इबादत को का पहला सेक्शन पढ़ा रिस्पॉन्सिव रीडिंग्स में, और रिस्पॉन्सिव रीडिंग में हमने अपने आप को एक परमेश्वर के सामने एक भेंट के समान रखा कि परमेश्वर तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं, और चूंकि हम तेरे बगैर कुछ नहीं है, इसलिए प्रभु तुझसे इस बात की इंतजार करते हैं कि प्रभु हम पे दया कर। जी जो जबूर का लिखने वाला राजा दाऊद है, वो अपनी परेशानियों के दौर में, जब वो बहुत ज्यादा कठिनाइयों में है, तब दाऊद जो है वो परमेश्वर के लिए इस भजन को लिख रहा है। ये भजन एक आदमी की कल्पना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा दी हुई उस आश्वासन का एक एक एक्सप्रेशन है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट अश्योरेंस दैट अ फॉलोअर ऑफ गॉड हैज इन हिज हार्ट, कि प्रभु मेरे सताने वालों ने मुझे चारों तरफ घेर रखा है, वो मुझको आक्रमण करके खत्म करने को है, मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं हार चुका हूं प्रभु, और मेरी हार का माखौल उड़ा रहे हैं मेरे पड़ोसी, मैं सड़क पर निकलने के लायक नहीं हूं, क्योंकि लोग पूछते हैं अरे तुम राजा होके हार गए। प्रभु जो है वो मुझको अपने शरण में ले ले प्रभु, और फिर वो कहता है मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये वही जबूर है जिसको यीशु मसीह जो है वो सलीब पर भी कहता है, और तब हम लोग को लगता है कि यीशु मसीह जो है वो एक नई बात बोल रहा है। अजीजों, हमने यीशु उस दिन गुड फ्राइडे के दिन भी इसी बात पे गौर किया था, हे प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं कह के यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। और ये जबूर है जो कि हर एक यहूदी बच्चे को उसकी मां सिखाती थी कि सोने से पहले तुम इस जबूर को अवश्य बोलना, क्योंकि यदि तुम पे कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी कठिनाई आएगी, तो तुम जो हो वो इस जबूर को बोल के उस अश्योरेंस को अपने जीवन में क्लेम करने पाओगे। जैसा कि आज भी हम इन जबूर के साथ साथ 23वें जबूर को भी बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी प्रकार की कोई घटी नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरी हर एक चिंताओं को करने वाला, उसकी सुधि लेने वाला
रखवाला यीशु है, रखवाला। अशीष, अगर आप हर बात का, हर एक बात को मिला के अगर आप रखेंगे तो आप यही पाएंगे कि अल्टीमेटली फॉर अ बिलीवर एवरीथिंग कम्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स ऑन वन पॉइंट एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। मेरे जीवन का सूत्रधार और मेरे जीवन का सूत्र, सूत्रधार भी और सूत्र भी, दोनों चीजें केवल यीशु मसीह है। और यदि है तो मुबारक है वह जीवन जो कि यीशु मसीह में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि केवल नाम के वास्ते फॉलोअर होते हैं। और कल शाम को जब हम लोग इबादत कर रहे थे तब हम लोगों ने इस बात पे गौर किया था कि वो लोग जो कि भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति की शक्ति को नहीं जानते। कल हम लोग ने इस वचन को पढ़ा था, ये बाइबल में लिखा है, वो लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति की शक्ति को नहीं जानते। वो हैं तो परमेश्वर में लेकिन भेड़ की खाल में भेड़ियों के समान है, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए भक्ति को करते तो हैं। और इसीलिए मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन तीनों चीजें मैं हूं। और जब हमारे लिए ये वचनों को पढ़ा गया तो जबूर के साथ साथ हमारे लिए अमाली किताब के भी पढ़ा गया, उस नए चर्च के बारे में बताया गया जब लोगों ने मसीह के ऊपर विश्वास लाए और कलीसिया बढ़ने लगी। तो जब कलीसिया बढ़ी तो कलीसिया के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग जो है वो सम्मिलित होने लगे, और जब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग सम्मिलित हुए तो भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां भी उसके अंदर आने लगी। जब हम और आप मणिपुर की स्थिति को देखते हैं तो हमारा मन जो है वो परेशान होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक अजीब सी भावना आती है दैट वी आर इनसिक्योर। अजीजो, इनसिक्योरिटी इज नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड, इनसिक्योरिटी कैन बी फ्रॉम विद इन ऑल्सो। और यहाँ पे जो दृष्टांत आपके सामने पढ़ा गया अमाल किताब से, वहां पे देखा गया कि परेशानी जो थी वो कलह बाहर की नहीं थी, कलह अंदर की भी थी, क्योंकि वहां पे भाषावाद था। वहां पे कुछ लोग जो थे वो एक भाषा बोलते थे और कुछ लोग दूसरी भाषा बोलते थे, देयर वाज रीजनलिज्म। कुछ लोग इब्रानी बोलते थे, दे वुड स्पीक इन अरामिक, एंड कुछ लोग थे जो कि ग्रीक बोलते थे, जो कि यूनानी ग्रुप से आए थे। चर्च एक था, मसीह एक है, लेकिन भाषा के बेसिस पे हम फलाने हैं, तुम अलग हो, इसके साथ मत मिलना, उसके साथ ना मिलना। इसी प्रकार की जो कठिनाई आज है चर्च के अंदर, यही कठिनाई उस समय भी थी। लेकिन लिखा है कि शागिर्दों ने कितनी खूबसूरती के साथ इस परेशानी का समाधान भी ढूंढ लिया। और क्या बोला उन्होंने, वहां पे लिखा है कि यूनानी लोगों को, इब्रानी लोग, क्योंकि इब्रानी लोग हैं चुनी हुई कौम, इस बात को ध्यान रखिएगा, इब्रानी लोग अपने आप को, जो यहूदी थे वो अपने आप को एक ऊंचा दर्जा देते थे, वो कहते थे हम तो चुने हुए हैं, जबकि वो मसीह में आ गए हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर का मिस्र गया नहीं है, दे आर स्टिल इन इजिप्ट। उनके अंदर का मिस्र, उनके अंदर की वो विडंबना, उनके अंदर की वो थिंकिंग जो है वो अभी भी है कि हम जो है वो बचाई हुई कौम है, हम परमेश्वर की कौम है और जितने भी और लोग हैं। इसीलिए अगर आप बाइबल के पुराने वाले जो सेक्शन है उसको पढ़ेंगे, पुराना नियम नहीं, नए नियम के जितने भी लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे एपिसल्स में, हर एक चिट्ठी में यहूदी और यूनानी, ज्यूज और जेंटाइल्स करके लिखा गया है। वो लोग जो कि मसीह में आए थे, यहूदी लोग विश्वासी का बन के, और वो लोग जो कि गैर कौमों के थे, वो सबके सब आके मसीह में एक तो हो गए लेकिन मन नहीं मिल पाया। जो लेवल ऑफ थिंकिंग है वो एक नहीं हो पाई, यूनाइटेड नाम तो कर लिया लेकिन यूनाइटेड हो नहीं पाए। और इसीलिए वहां पे उनके बीच में परेशानी आई, और क्या, भेदभाव। जो यूनानी विधवाएं हैं, क्योंकि सेविकाई चर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, तो सेविकाई में भी वो लोग भेदभाव कर रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं और दूसरों की सुधि नहीं ले रहे हैं। इस बात की कंप्लेंट शागिर्दों के पास पहुंची कि ये लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अपने अपनों को दे रहे हैं और हम विधवाओं को जो कि यूनानी विधवाएं हैं उनकी सुधि नहीं लेते। और जब ये टेम्पोरल एक्टिविटीज के बारे में, सेवकाई की एक्टिविटीज के बाद में कंप्लेंट पहुंची शागिर्दों के पास, तो शागिर्दों ने उसको बड़ी प्रेयरफुली डील किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम अब एक पास्ट्रेट कमिटी का आयोजन करेंगे जिसको कि डीकिंस का औहदा दिया गया।
और उन्होंने बोला तुम अपने बीच में से इन लोगों को चूज कर लो, तुम 7 लोगों को चूज करो अपने बीच में से, और कंडीशंस क्या दी, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। बहुत ही खूबसूरती के साथ वो कहता है कि तुम ऐसे लोगों को, उसमें लिखा है इसलिए हे भाइयों, तीसरी आयत जो है, इसलिए हे भाइयों अपनों में से 7 सुनाम, सुनाम मीन्स अच्छे चाल चलन वाले, जिनके अंदर कोई बुराई ना हो, अच्छे चाल चलन वाले 7 सुनाम पुरुषों को जो कि पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, जिनके जीवन जो है वो पवित्र हो, उनको तुम लोग चुन लो। और फिर क्या कहता है कि हम उन्हें इस काम में ठहरा दे, जो कलीसिया की पहुनाई है, जो कलीसिया की जो सेविकाई है, उसको करने के लिए उन लोगों को नियुक्त कर दिया गया। क्यों क्यों? क्योंकि वो कहते हैं परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेविकाई में लगे रहेंगे, हम तो वचन की सेविकाई में लगे रहेंगे, हम तो प्रार्थना में लगे रहेंगे, इसलिए क्योंकि चर्च इज कंप्लीट विथ थ्रू कॉन्सेप्ट। जब हम कलीसिया की बात करते हैं ना, ये बात बोले थे कि चर्चेस में आग लगा दी गई, चर्च चलाए जा रहे हैं, लोग चर्च पे अत्याचार कर रहे हैं, तो ये चर्च क्या चीज है? इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। चर्च डज नॉट मीन द बिल्डिंग, चर्च मीन्स 3 एक्टिविटीज। नंबर वन एक्टिविटी इज प्रीचिंग, वचन का प्रचार। दूसरा है सैक्रमेंट्स, ये विधियां जो मनाई जाती हैं। और तीसरी चीज है सर्विस यानी सेविकाई, ये है चर्च। अगर ये तीनों चीजें चर्च के अंदर हैं, तो चाहे बिल्डिंग हो और चाहे ना हो, ये तीनों चीजें जो है वो बरकरार रहेंगी। जितनी आग लगाना चाहो लगा दो, ये हकीकत है अजीजों कि अगर तुम इनको चुप कराओगे तो पत्थर बोलेंगे, मसीह कहता है आमीन। कभी भी परमेश्वर की जो सेविकाई वो खत्म नहीं होगी, यहां दबाओगे वहां होगी, वहां दबाओगे कहीं और होगी, क्योंकि परमेश्वर जीवता परमेश्वर है और वो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तुम कामों की तो प्रतीति करो, तुम मुझको नहीं मानते लेकिन तुम कामों की तो प्रतीति करो, वचन से पढ़ा गया आपके लिए, और ये वचन परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वचन है। ये कोई भी वचन जो है इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई पेपर नहीं है, केवल वचन से जो आ रहा है वो बोल रहा हूं। परमेश्वर कहता है कि जब कहीं भी ये तीनों चीजें इकट्ठा होंगी, वचन की सेविकाई दैट मीन्स द वर्ड बीइंग प्रीच्ड, खालिस वचन, मेरी गॉस्पेल नहीं बल्कि परमेश्वर के राज की गॉस्पेल, जहां पे सच्चाई के साथ खालिस वचन दिया जाएगा, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की नजरें इनायत हो जाएंगी। जहां पे सच्चे दिल के साथ, सच्चे मन के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ उसके सैक्रमेंट को दिया जाएगा, यानी हम जब हाजिर नाजिर जान के परमेश्वर को उसकी मेज में सम्मिलित होंगे, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करेंगे। वी डोंट बिलीव इन ट्रांसबस्टेंशिएशन, वी डोंट बिलीव कि ये जो रोटी और मैं है, ये जब हम झुक के उसको शिष्टता कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रोटी और मैं जो है परमेश्वर के लहू और बदन में तब्दील हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है जब जब तुम ये किया करो मेरी यादगार में किया करो, इट इज अ मेमोरियल एंड मेमोरियल कैन नॉट बिकम एक्चुअल। जब हम देखते हैं ना वॉर मेमोरियल, ऑक्टोलोनी टावर वॉर मेमोरियल, तो वहां पे कोई सच में वो लोग थोड़े ना खड़े हैं, वहां पे केवल एक स्मारक है, वो यादगार है कि हाँ इतने सोल्जर्स जो थे इस लड़ाई में हलाक हुए थे, इसलिए उनकी यादगार में। तो जब हम उस पत्थर के सामने खड़े होते हैं तो हम उस परमेश्वर उन लोगों की स्मरण करते हैं। जब हम कब्र के पे जाते हैं अपने अजीजों की, तो ये नहीं है कि वहां मम्मी पापा अंदर है, मम्मी पापा तो चले गए, हम केवल उनकी अच्छी बातों को याद करने के लिए उस कब्र के पास जाते हैं। वो है नहीं वहां पे, मिट्टी तो मिट्टी हो गई और रूह परमेश्वर के पास चली गई, तो वहां पे कुछ नहीं बचा लेकिन स्मरण में। इसी प्रकार से जब हम इस मेज में शरीक होते हैं, इस सैक्रमेंट में, हकीकत में रूहानी तबीयत के साथ उसके पास आते हैं, तो हम उस बात को याद करते हैं, प्रभु तूने कितना बड़ा बलिदान मेरे लिए दिया,
तू ही मेरे जीवन का कफारा है, मार्ग भी तू है, सत्य भी तू है, और जीवन देने का अधिकार भी तेरे पास है। द ट्रू सैक्रमेंट जहां पे भी मनाया जाएगा वहां पे यीशु मसीह हाजिर होगा। और फिर फाइनली वो कहता है कि जहां पे सेविकाई है, विधवाओं की सुधि लेना, गरीबों की सुधि लेना, बीमारों के लिए प्रार्थना करना, जिनके घरों में परेशानी है उनके पास जाके तुम सुलह का पैगाम लेके जाना, जहां पे भी ये सारी सेविकाएं हैं, जहां पे एक दूसरे के लिए ध्यान रखा जाता है, जहां पे जो भटके में हैं उनको वापस लाने की कामना की जाती है, प्रार्थना की जाती है और कार्य भी किया जाता है, कामना प्रार्थना और कार्य जहां पे फैक्चुअली होता है, वो जगहों को हम सच्ची सेविकाई के रूप में मानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं हम तो प्रार्थना में और वचन की सेविकाई में लगे रहेंगे, लेकिन ये सात व्यक्ति जो है वो वहां पे प्रेजेंट कर दिए गए ताकि चर्च की ये तीनों एक्टिविटीज जो है वो कामयाब रहे। एक भी अगर एक्टिविटी कम होगी ना, एक भी एक्टिविटी, तो परमेश्वर की हकीकत की सेविकाई नहीं होगी। अगर चर्च के अंदर केवल प्रार्थना 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 होती रहे और वचन की जो सच्चा वचन है वो ना बोया जाए, यदि लोग अपने हृदय में सच्चा वचन ग्रहण ना करें, केवल रिचुअलिस्टिक बने रहे, केवल ट्रेडिशनल्स को फॉलो करते रहे, तो वो सच्चा चर्च नहीं। और जहां पे भी सच्चे वचन को मैनिपुलेट किया जाए वो भी सच्चा चर्च नहीं। और जहां पे लोगों की केवल हाई चर्च हो, हम बहुत ही उच्च विचार वाले, हम प्रार्थना में तो लगे हुए हैं लेकिन हम सेविका ही नहीं करते, वो भी परमेश्वर को पसंद नहीं। यीशु मसीह के लिए पतरस कहता है मैं तेरे लिए तीन मंडप बनाऊंगा, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, तेरे लिए, और हम लोग यहीं रह के तेरी सेविकाई करते रहेंगे। मसीह कुछ नहीं बोलता, मसीह पहाड़ के नीचे उतर चला आता, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है पहाड़ के नीचे उसकी ज्यादा जरूरत है। वहां पे पहाड़ के ऊपर माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे वहां पे मंडप बना के यीशु मसीह को पसंद नहीं आ रहा कि आप वहां भजन कीर्तन करते रहे, बल्कि उतर के आओ, लोगों के बीच में जाओ और देखो वहां पे जो पड़ा हुआ बच्चा है जिसको मेरी जरूरत है, जिसके अंदर शैतान दुष्ट आत्माएं हैं, उनका निकाला जाना जरूरी है। क्योंकि केवल उस बच्चे को ही रिलीफ नहीं मिलेगी, उसके पिता का विश्वास आएगा और जितने भी तमाशबीन वहां खड़े हैं उन सबका विश्वास यीशु मसीह में आएगा। यह है सच्ची गवाही। जब मसीह को हम उजागर करेंगे लोगों के सामने अपनी सेविकाई के द्वारा, तब लोग जानेंगे कि सच्चा चर्च क्या है। व्हाट इज द ट्रू चर्च? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, और इसीलिए आज नमक का कोई भी कह सकते हैं वजूद नहीं है, सिवाय इसके कि वो सड़क पे फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। जब हम कहते हैं ना चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो चर्च को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया। क्यों किया? इस बात पे विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। और कैसे हमको वापस अपने सचेती में आना है कि देख तू कहां से गिरा है, सुनो कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। आत्मा कलीसिया से केवल इस बात की कामना कर रहा है कि जहां से तुम गिरे हो वहीं पे लौट आओ, क्योंकि वो समय आ रहा है जब परमेश्वर जो है वो स्वयं न्यायी बन के आएगा, और जो लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति की शक्ति में विश्वास नहीं करते उनकी तंबी करेगा। अजीजो, बहुत ही खूबसूरती के साथ पतरस भी इसी बात को लिख रहा है, और पतरस क्या कह रहा है? पतरस जो है वो एक आगे स्टेप पे जा रहा है। यहां पे केवल सेविकाई की बात हुई थी अमाले किताब में, लेकिन पतरस क्या कह रहा है? पतरस लोगों की जो कह सकते हैं ना मेंटल एटीट्यूड को जानता है, जो हमारी समझ है उसको जानता है, और वो इस बात को जानता है कि ये सारे यहूदी लोग जो थे ये कहां थे? ये मिस्र में थे, और मिस्र में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाया करती थी, बड़ी बड़ी इमारतें, और पत्थरों का बड़ा वजूद था। वो ये भी जानते हैं कि यहूदी लोग जो थे वो पत्थरों को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, एक पत्थर खड़ा करते थे और फिर कहते थे परमेश्वर हमारे साथ रहा, तो दिस इज एबिनेजर, विलियगटा की बिल्डिंग का नाम भी एबिनेजर रखा गया, परमेश्वर हमारे साथ। ये पत्थरों में उनका बड़ा विश्वास था, तो उनका पतरस इस बात को जान रहा है। समझिए द बैकग्राउंड ऑफ दिस लेटर।
पतरस इस बात को समझ रहा है कि इनके मन में पत्थर का होना, बिल्डिंग का होना, इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारे और आपके अंदर भी है ना। लाख हम वचन को सुनते रहे कि कलीसिया मतलब कांग्रेगेशन, लेकिन जैसी हम कलीसिया का नाम लेते हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, तो शक्लें नहीं आती हैं लोगों की, ये लाल रंग की बिल्डिंग याद आती है। थोबन मेथोडिस्ट चर्च, तो लोगों की शक्लें नहीं याद आती, हमें याद भी नहीं करनी, लेकिन हाँ हम क्या चीज याद करते हैं, उस बिल्डिंग को याद करते हैं, उस खूबसूरत से चर्च को याद करते हैं जिसमें पाइप ऑर्गन लगा हुआ है। ये है हमारे अंदर की भी तबीयत, क्योंकि हम बिल्डिंग से चर्च को एसोसिएट करते हैं। सेंट पॉल्स कैथेड्रल मींस वो बड़ी सी सुंदर सी बिल्डिंग जो विक्टोरिया मेमोरियल के पीछे है, एकदम बिल्डिंग का स्मरण आता है। इसीलिए पतरस यहां पे लोगों को हिदायत करके कह रहा है, क्या कह रहा है वो कहता है कि पत्थर क्या तुम स्वयं परमेश्वर के लिए एक जीवते पत्थर की नाई हो, और कैसा पत्थर है, जीवते पत्थर की नाई, आत्मिक घर बनते जाते हो तुम स्वयं, यू आर दैट मेमोरियल, ताकि जब तुम परमेश्वर में विश्वास लाए तो अब लोग तुमको देख के कहेंगे कि यू आर एन एपिट, कह सकते हैं ना क्या, अ मेमोरियल फॉर गॉड, आई सी यू एंड देन आई नो दैट गॉड लिव्स। जब वो, यीशु मसीह ने कहा ना, जब वो तुम्हारे अच्छे भले कामों को देखेंगे तो वो जानेंगे कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो कितना भला है, तुम्हारे अच्छे कामों को। सो यू बिकम व्हाट, वो कहता है चौथी आयत में, दूसरे बाब की पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका चौथा चौथी आयत, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, कौन, यीशु मसीह। और फिर कहता है तुम भी आप जीवते पत्थरों की नई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। तुम स्वयं वो एबिनेजर बन जाओ, तुम्हारा ईमान इतना पुख्ता हो कि तुम्हारे ईमान पे भी यीशु मसीह कहे कि ऐसे पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। क्योंकि पत्रस से ये बात बोली गई थी, पत्रस से ये बात बोली गई थी, आज वही पत्रस इस पत्री के मार्फत हमके और आपको भी इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि लाइक क्राइस्ट अप्रिशिएटेड मी, नाउ आई वॉन्ट यू टू बी अप्रिशिएटेड बाई क्राइस्ट। क्या हमारा ईमान इतना स्ट्रांग है, क्या हम यीशु मसीह के लिए उस पत्थर के समान हैं जिसपे यीशु मसीह अपनी ईमान की नींव को डाल सकता है। यदि है तो कोई भी हमको हिला नहीं सकता, आज हम यहां हैं तो भी हम मसीह हैं, और हम कहीं और हैं तो भी मसीह हैं, चर्च में आग भी लगा दी जाएगी तो भी हमारा ईमान डोलेगा नहीं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि सुनने में आ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गृह वापसी में वापस लौटते जा रहे हैं, या हम और आप उन लोग के समान हैं, या हम और आप पुख्ता हैं। अगर हम पुख्ता हैं तो उसके लिए क्या कहता है कि देखो मैं सय्योन के कोने से सिरे का चुना हुआ एक बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, कौन, यीशु मसीह। मैं सय्योन में जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने, राजमिस्त्री कौन थे, बनी इसराइल के अगुवा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही पत्थर अब सिरे का पत्थर हो गया। जो चुनी हुई कौम थी उसने यीशु मसीह को मार देने की मंशा करी और मार दिया भी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ये रहेगा तो हमारी जो सत्ता है वो डामाडोल हो जाएगी, तो इन्होंने उसको हलाक करने की कोशिश की, उन्होंने उसको निकम्मा ठहराया, उन्होंने उसको लानतान किया, उन्होंने उसको इंसल्ट किया और हर लोग के सामने इस बात को प्रेजेंट किया कि ये गलत है, और इसीलिए उनको लगा कि इसको मार देना ही भला है। उन्होंने क्रूसिफाई करके उसको क्रूस की मृत्यु तक सहने पे मजबूर कर दिया। लेकिन लिखा है जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही पत्थर जो है वो अब सिरे का पत्थर हो गया। ही इज बिकम द कॉर्नरस्टोन, विदाउट हिम नथिंग इज पॉसिबल। नींव का पत्थर वही है, फाउंडेशन वही है, सच्चा पत्थर वही है, और यदि वो पत्थर तुम्हारे दिल में नींव में लगा हुआ है तो यू विल बिकम द बेस्ट एडिफिस,
द बेस्ट मेमोरियल एवर। और तुमको देखिए दूसरों का ईमान जो है वो और स्ट्रांग होगा। यू बिकम द ट्रू चर्च ऑफ गॉड। और इसीलिए वो यहां पे कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इससे बढ़कर कोई कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। इससे बढ़कर हकीकत में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा है जो कि स्वयं उस पूरी चीज को अपनी आंखों देखी बयान कर रहा है। ही हैज बीन विद क्राइस्ट, ही सॉ क्राइस्ट सफर, ही सॉ क्राइस्ट रेजरेक्टेड, एंड ही वॉज द वन हु वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट एट द टाइम ऑफ पेंटिकॉस्ट। इससे बढ़कर और कोई भी हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मत विचलित हो, चर्चेज जला दिए जाए, अगर आज मणिपुर है तो कल कलकत्ता भी हो सकता है। परमेश्वर के राज के विरोधी हर तरफ होंगे, क्योंकि शैतान परेशान है कि मसीहत खत्म नहीं हो रही, और इसीलिए वो हर पे प्रहार करता है, हर पे आक्रमण करता है विभिन्न विभिन्न प्रकार से। शैतान स्वयं नहीं आ सकता सामने, अभी तो फिर भी आप देखते हैं ना दर्शन में कि लोग जो है शैतान की पूजा कर रहे हैं, उसकी स्टैचू बना बना के उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, सैटैनिक वर्शिप। लेकिन हकीकत यह है कि शैतान इतना डरपोक है, इतना डरपोक है शैतान कि वो सामने कभी भी दर्शन नहीं देगा आपको, कभी नहीं आएगा सामने। और इसीलिए वो क्या करता है, वो छुप के प्रहार करता है, छुप के किसी के अंदर घुस के। और इसी बात का वर्णन जो है वो किया हुआ है, जो इंजील का पाठ आज हमारे सामने पढ़ा गया उसके पहले वाले चैप्टर को आप पढ़ेंगे, उसके आगे 14 बार पढ़ा ना, अगर आप 12 13 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, और शैतान उसके अंदर समाया। किसके अंदर? यहूदा स्मृति के अंदर पहले लिखा है, जब शैतान उसके मन में डाल चुका, पहले लिखा है जब शैतान उसके मन में डाल चुका, और फिर लिखा है कि टुकड़ा लेने के बाद शैतान उसके अंदर समाया। शैतान यीशु मसीह के सामने नहीं आ सकता, शैतान किसी भी डरवैये के सामने नहीं आ सकता। शैतान तो स्वयं जाके परमेश्वर से कहता है कि तू कैसे बोल रहा है कि अय्यूब को जाके देख, तूने तो उसके चारों तरफ एक बेड़ा बना के रखा हुआ, तो ये जो बाड़ा जो तूने बांध के रखा है इसलिए मैं उसको कैसे छू। शैतान जो है वो डरता है यीशु मसीह से, स्केर्ड ऑफ क्राइस्ट एंड ही स्केर्ड ऑफ एवरी बिलीवर, इसीलिए वो आपके सामने कभी भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। उसको तो यीशु मसीह ने बयाबान में ही हरा दिया और उससे कहा कि मेरे पास से दूर हो जाओ। उसके बाद से आप देखिए शैतान कभी भी यीशु मसीह के सामने ना आया। अब वो छुप छुप के वार कर रहा है, और छुप छुप के वार वो यहां भी कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर के दास की मार्फत परमेश्वर हमसे और आपको ये आश्वासन दे रहा है और कह रहा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यू आर द लिविंग एपिसल्स, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द पीपल हु विल प्रेजेंट क्राइस्ट टू द वर्ल्ड, यू। और यदि हम और आप भी डर के मारे अपने कमरों में बंद हो जाएंगे और बस यही बोलते रहेंगे प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, तो नहीं होगा। कलीसिया को फिरोतनी के साथ प्रार्थना करते रहना है, कॉन्स्टेंटली कीप प्रेइंग, एंड इट इज योर प्रेयर, कलेक्टिव प्रेयर, विच विल मेक द लॉर्ड्स पावर बी मैनिफेस्टेड ऑल अराउंड। हकीकत में होगा, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और वो कहता है कि मार्ग सच्चाई और जीवन में, और फिर कहता है बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यदि तुमने मुझे जानते हो तो मेरे पिता को भी जानते हो, और अब उसे जानते हो और उसे तुमने देखा भी है। कैसे देखा है? जिसने मुझे देखा उसने मेरे भेजने वाले को देखा। मैं जो भी काम करता हूं अपने पिता के द्वारा करता हूं, और तब वो कहता है जैसा मैं और मेरे पिता एक है वही तुम भी बनो। तो जब हमारे अंदर वही रूहानी तबीयत आती है थ्रू द सैक्रमेंट,
व्हेन क्राइस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी थ्रू द सैक्रामेंट, तो उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो मेरे अंदर आ गई। तो जब मेरे अंदर यीशु मसीह है, तो फिर वो यीशु मसीह दूसरों पे उजागर क्यों करना होगा? डर के कैसे जी सकते हैं? भाई अंतू ने एक बहुत खूबसूरत गवाही दी, और हकीकत में जो लोग नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए एक जीवती गवाही। एक भाई जो कि गिरता है और अपनी रीढ़ की हड्डी को तोड़ लेता है, रीढ़ की हड्डी मींस द बैकबोन, और डॉक्टर कहता है कि इसका चलना फिरना अब संभव नहीं है, ही विल नेवर बी एबल टू वॉक। एंड बहुत जगहों पे बहुत खुशियां मनाई गई कि अब तो अंतु फिनिश्ड। लेकिन अंतु ये वो व्यक्ति है, मैं पुलपिट से खड़ा होकर बोल रहा हूं, जिसके परिवार का ईमान बहुत स्ट्रांग है। केवल ईमान के कारण आज ये भाई यहां खड़ा है, और ये एक बार ही नहीं हुआ, ये उसी लोरेटो के अंदर जाके दोबारा उसी कब्र के पास जाके फिर गिरते हैं, और फिर चोट लगती है, और फिर प्रार्थनाएं होती हैं, और फिर यीशु मसीह उसको वापस खड़ा कर देता है। ये है जीवता परमेश्वर, कि जितने भी आक्रमण कर लो, जितने भी वार करा लो, जितनी भी कठिनाइयां हो, हर बार यीशु मसीह को जान के देखो, चखे देखो वो कितना भला है। और आज वो भाई हम लोग साथ इबादत कर रहा है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। और यही गवाही मैं सोचता हूं हर एक व्यक्ति के दिल में है। किसी के पास बड़ी, जैसे अंतु के पास बहुत बड़ी गवाही है, किसी के पास छोटी, लेकिन हर एक व्यक्ति के पास गवाही है कि मैंने पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुधी ली। जब जब मैंने उसे पुकारा तब तक उसने मेरी सुधी ली, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है। और फाइनली वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, घरों की बात हो रही है ना, मकानों की बात हो रही है, चर्चेस की बात हो रही है, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि तुम परेशान मत हो, तुम एक छोटा सा घर बना के अभी बैठे रहो। छोटा घर मीन्स तुम्हारे दिल के अंदर का छोटा घर, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा घर तो मैंने वहां तैयार करके रखा है। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। इस पत्थर को मैं परमेश्वर के उस नए यरूशलेम का पत्थर बनाऊंगा, क्योंकि नया यरूशलेम जो है ना, वो कोई ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि मोदी जी का वो बन रहा है ना सेंट्रल विस्टा, उस टाइप की कोई चीज नहीं होगी। नया यरूशलेम जो है ना, वो लोगों के हृदय रूपी पत्थरों पे बना होगा, ईमान के पत्थरों से बना होगा, वो होगा नया यरूशलेम। इसलिए परमेश्वर तुमको चुन रहा है, तुम्हारे ईमान के, तुम्हारे जो दिल का जो ईमान का रूपी पत्थर है ना, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उस फाउंडेशन को वो लेगा और अपने उस नए यरूशलेम में स्थापित कर देगा, ताकि नया यरूशलेम जो है वो केवल ईमान के ऊपर कायम हो। ये होगा नया यरूशलेम, जिसके अंदर सूरज की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हर कोई तो रोशनी है, हर कोई तो नूर है ना। तुम यीशु मसीह के नूर को प्रकट कर रहे हो, तो अगर हर कोई नूर देगा, अगर हर कोई की जिंदगी जो है इतनी नूरानी होगी, तो सूरज की क्या जरूरत होगी? कोई आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत ही नहीं होगी। थॉमस एडिसन के ये बल्ब्स और लैंप्स और जितनी भी खूबसूरतियां हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो स्वयं सूरज के समान प्रकाशमान होगा। और यीशु मसीह जो कि उस पूरे सोर्स का जो उस पूरे नूर का जो सोर्स है, वो यीशु मसीह स्वयं सूरज से भी बढ़कर तेजोमय होगा। ये है नया यरूशलेम। लेट अस नॉट लिव इन एनी काइंड ऑफ अ फैंटेसी वर्ल्ड। इट इज यू हु विल मेक द न्यू यरूशलेम। इट इज योर फेथ विच विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द न्यू यरूशलेम। और जैसा मैंने कल बताया था, वही बताया, खत्म कर रहा हूं फिर से। जब तक ये बातें पूरी ना हो जाएं, तब तक ये वंश खत्म नहीं होगा। लोगों के मन में आ रहा है कि दोस्त दैट जनरेशन, नो, इट जस्ट मींस वो नया याजकों का समाज, वो नई प्रजा जिसके बारे में आज पढ़ा गया आपके लिए। पत्रस कहता है ना कि तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो तुम, और जब तक तुम्हारे जैसे लोग बरकरार रहेंगे, तब तक अंत नहीं आने। ये वंश वर्ड यूज किया गया, दिस जेनरेशन ऑफ बिलीवर्स, इसलिए वो कहता है ये वंश कभी खत्म नहीं होने वाला। तो जब वंश खत्म नहीं होगा, एक जगह कहता है वंश खत्म नहीं होगा, एक जगह कहता है कि अधलोक के फटक इस कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगे, प्रबल साहब पीछे बैठे, प्रबल नहीं होंगे,
तो अजीजों हकीकत यह है कि जब मसीह की खुद की आश्वासन हमारे पास है तो क्यों व्याकुल होते हो। इसीलिए वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम जो है इस आयत को हमारी ना समझी में हमने उसको एक एक फ्यूनरल के सरमन के रूप में रख लिया है। तो अगर कोई यूहन्ना 14 पढ़ता तो हमें लगता अरे ये तो फ्यूनरल का सरमन है, ये यहां क्यों पढ़ने लगे। ये फ्यूनरल का सरमन नहीं है, ये उस आश्वासन का सरमन है। ये उस आश्वासन को बताता है जिसको हम कह सकते हैं ब्लेसेड अश्योरेंस जीसस इज माइन। हकीकत में जब यीशु मसीह हमारा है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। यही तो लिखा है ना गाने में, यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देता शानो जलाल, वारिस नजात का साकीन आसमान। वारिस नजात का मतलब द इनहेरिटर ऑफ नजात मीन्स सेल्वेशन, और फिर वो कहता है साकीन आसमान मीन्स जो कि हमको आसमान की विरासत का हिस्सा बनाएगा। साकीन मतलब वहां का एक शागिर्द, वहां का रहने वाला। और फिर वो कहता है उस पर मैं रखता पूरा ईमान। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फेथ दैट ही कह सकता दिस इज माई स्टोरी, दिस इज माई सॉन्ग, प्रेजिंग माई सेवियर ऑल द डे लॉन्ग। हम प्रार्थना करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी बड़ी हलीमी के साथ तेरे चरणों में आए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए और इस आश्वासन के लिए तूने हमको दिया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर की हम अपनी लिमिटेशन के बावजूद भी प्रभु जी इन वचनों को अपनी जिंदगी में क्लेम कर सके प्रभु जी, इनको समझ सके प्रभु जी, और इनको प्रभु जी अपनी जीवन के लिए फायदे में ला सके प्रभु जी। हमारे को सामर्थ्य प्रभु कि हम इन तमाम कामों को प्रभु तेरी अगुवाई में पूरा करने पाए प्रभु जी। जब हम तेरी मेज में शरीक होने आते हैं प्रभु जी हमको तैयार करता है कि प्रभु जी आज और अभी से प्रभु जी इन एलिमेंट्स को ग्रहण करके प्रभु जी हम एक नए तरीके से प्रभु जी और एक नई सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएं। सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए आमीन। अपनी इबादत के अंत में हम लोग अपना को तैयार को खुदा की और उसके पेड़